नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई कोरोना अपडेट, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी मैंने सोचा है कि पर डे मैं एक वीडियो कोरोना से रिलेटेड डालूंगा ताकि आप विदेश में बैठे हुए लोगों को पता लग सके कि आपके देश में जहां आप रह रहे हैं वहां की क्या कंडीशन है। रोज 10 कंट्रियों से रिलेटेड कोरोना अपडेट देंगे, मात्र 3 मिनट में पूरा वीडियो हम बता देंगे। और इंडिया की अपडेट हम रोज देंगे ताकि आपको पता होना चाहिए भाई इंडिया के क्या हालात हैं, विदेशों में क्या हालात हैं, कौन कहां कितना क्या स्थिति चल रही है। तो आज मैं बता दूं साथियों, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आपको बताया कि मना कर दिया कि दूसरे स्टेटों के हम कोरोना टेस्ट नहीं करेंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे। दिल्ली की कोरोना की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप वीडियो पे देखते होंगे लोग मर रहे हैं, उनको मरे हुए लोगों को मेडिकल स्टाफ द्वारा संभाला नहीं जा रहा है। मौतें पड़ी हुई हैं ऐसे ही, मैं अभी सुबह एक वीडियो देख रहा था, ऐसे ही पड़ी हुई है मौतें, उनको कोई ढकने वाला तक भी नहीं है, स्थिति बड़ी ख़राब है। और इंडिया दिल्ली गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि हम दूसरे स्टेटों के जो राज्यों के जो लोग हैं उनका कोरोना अपडेट या उनकी जांच या फिर उनका इलाज नहीं कर सकते, मना कर दिया साफ साफ। हमारे राजस्थान सरकार ने भाई इसका कल गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि रोज 5,000 दूसरे स्टेटों के हम जांच करेंगे कोरोना अपडेट। जी हाँ साथियों, तो ये हमारी सरकार राजस्थान सरकार की एक अच्छी पहल है कि भाई दूसरे राज्यों के भी हम कोरोना अपडेट हैं उनका इलाज करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे और कोविड 19 की जांच भी की जाएगी। राजस्थान में अभी 15,000 पर डे जाँचें हो रही हैं कोरोना अपडेट की। जी हाँ साथियों, जो इंडिया में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर दिल्ली में हो रही हैं, दूसरे नंबर पर पूरी इंडिया में राजस्थान में 15,000 पर डे जाँचें हो रही हैं कोविड 19 की, तो ये अच्छी बात है। अभी मैं आपको थोड़े से आंकड़े बता देता हूं कि वर्ल्ड में क्या स्थिति है आंकड़ों की। आज तक का यानी 14 मैं बता दूं, ये 14 जून तक की मैं बात करूं भाई, 80 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं और 4,32,000 मौतें अभी तक पूरी हो चुकी हैं। जी हाँ साथियों, अमेरिका में 1,17,000 लोग मर चुके हैं, ब्राज़ील में 42,000 लोग मर चुके हैं, रूस में 7,000 के करीब मर चुके हैं, इंग्लैंड में 42,000 लोग मर चुके हैं, स्पेन में 27,000 लोग मर चुके हैं, इटली में 34,000 लोग मर चुके हैं, पेरू में 6,500 लोग मर चुके हैं, ईरान में 9,000 लोग मर चुके हैं, जर्मनी में 8,000 लोग मर चुके हैं। जी हाँ साथियों, अब इंडिया की अपडेट आप सुन लीजिए भाई, इंडिया में कुल संक्रमित 3,25,136 अभी तक 13 जून की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ साथियों, संक्रमित हैं, उनमें से मैं बता दूं साथियों 9,545 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। ये समझ लीजिए कि 10,000 के करीब मौत अभी इंडिया में हो चुकी हैं कोरोना अपडेट के बारे में मैं बता दूं। उनमें से अच्छी बात यह है कि 1,68,771 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी रिकवरी देखा जाए तो इंडिया में ठीक है और हमारे राजस्थान में तो भाई और भी अच्छी है। और राजस्थान की बात करें तो भाई 13,000 के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं और 300 के करीब लोग मर चुके हैं। जी हाँ साथियों, और 13,000 में से भाई 10,000 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं, तो पेंडिंग एरिया मात्र 3,000 के करीब है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो भाई ये तो आज तो मैंने नॉर्मली तरीके से बताया, कल हमें अलग अलग कंट्री, आप जैसे गल्फ में ज़्यादा रहते हैं तो अपडेट मैं देता रहूँगा कोविड-19 से रिलेटेड ताकि आपको हकीकत का पता लगे कि भाई कोरोना कहाँ कितना चल रहा है। हम कंपेयर भी आगे आने वाली वीडियो में करेंगे कि इतने दिन में इतना था, आज इतना पड़ के इतना हो गया। मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।